स्क्रीन की जानिब बढ़ते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ें, शीन 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 जी। तो अब बात करेंगे शीन की इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल शेप पर, ठीक है। यानी कि जैसे किसी वर्ड के शुरू में अगर हमें शीन लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से जैसे कि स्क्रीन पे आप सबके सामने शो हो रहा है इस तरह से। और ये कौन सी शेप कहलाई शीन की, इनिशियल शेप। वेरी गुड, ये शीन की कौन सी शेप है, इनिशियल शेप, ठीक है। बढ़ते हैं शीन की मीडियल शेप की जानिब। शीन की मीडियल शेप इस तरह से लिखी जाती है, यानी कि किसी वर्ड के जब हमने सेंटर में, बीच में जब हमने शीन को लिखना हो, वर्ड से वर्ड को जोड़ना हो, तो हमने किस तरह लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। शीन किस तरह से लिखा जाता है जब मीडियल शेप में हो, स्क्रीन पे आप सबके सामने शो हो रहा है शीन, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे फाइनल शेप की जानिब। तो शीन की फाइनल शेप कुछ इस तरह से होती है। तो ये है इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल शेप। शीन की इन तीनों शेप्स को मिला के अगर हम बात करें तो वो कौन सी शेप हो जाएगी, कंपाउंड शेप हो जाएगी, ठीक है, कंपाउंड शेप। अब हम बात करेंगे इनकी एग्जांपल्स पर, ठीक है। चलें आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे, ये है शीन, ठीक है। उसके बाद साथ साथ बताएं हम कौन सी शेप पे बात कर रहे हैं, ठीक है, शीन, लेटर शीन पे बात कर रहे हैं। और शेप, शेप कौन सी हम करने जा रहे हैं, वेरी गुड, शीन की इनिशियल शेप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है शीन, फा और काफ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें हमने लिखा शीन, तो देखें इस शीन पे हमने पढ़ा था ना कि जब हम किसी कोई वर्ड हम लिख रहे हो तो शीन किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें फा, फिर हम लिखेंगे फा और फिर हम लिखेंगे ऑफ, ठीक है। तो ये कौन सी शेप हो गई, इनिशियल शीन की, इनिशियल शेप, ठीक है, शीन की इनिशियल शेप कहलाई, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे शीन की मीडियल शेप की जानिब। तो शीन की जो मीडियल शेप है अब हम उस पर बात करेंगे, तो आइए मिलकर पढ़ते हैं, बा शीन और ये है रॉ, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसकी मीडियल शेप समझेंगे, ये हो गया बा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्योंकि ये कौन सा लेटर है, शीन, लेटर शीन है, लेकिन हम बात किस पे कर रहे हैं, शीन की मीडियल शेप पे। तो देखें शीन सेंटर में है, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था ना स्क्रीन पे कि शीन जब किसी वर्ड के सेंटर में आए तो वो इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हमने लास्ट लेटर लिख दिया रॉ, तो ये बन गया एक मुरक्कब, ठीक है, बा शीन और रॉ, ठीक है। और शीन कहाँ पर आ गया है, बीच में, तो ये कौन सी शेप कहलाई, मीडियल शेप कहलाई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे शीन की फाइनल शेप। तो ये है शीन की फाइनल शेप, हम समझने जा रहे हैं, लिखेंगे ता फा और शीन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप सब देख सकते हैं क्योंकि हम फाइनल शेप पढ़ रहे हैं तो शीन कहाँ पे आना चाहिए, वर्ड के लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है ता, उसके बाद हम लिखेंगे फा, फिर हम लिखेंगे शीन शीन, ठीक है। तो ये है शीन की फाइनल शेप। शीन की कौन सी शेप है, फाइनल शेप, ठीक है। तो ये आपके पास शीन की फाइनल शेप आ गई है, सही है। तो चले आप बताएं, हमने शीन की इनिशियल शेप पढ़ी, उसके बाद हमने शीन की मीडियल शेप पढ़ी और फिर उसके बाद हमने समझा शीन की फाइनल शेप को। तो अब बताइए शीन के बाद हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे, सौद। सौद को हम हमेशा पुर यानी के मोटा करके पढ़ते हैं। हमने अपनी क्लास में, गुज़िश्ता क्लास जो हमारी हुई उसमें हमने समझा था कि सौद और सीन क्योंकि सिमिलर साउंड है, एक जैसा साउंड है, ठीक है, लेकिन सौद जो है वो हम पुर यानी के मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्क्रीन की जानिब पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ें, सौद 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 जी। तो अब बात करेंगे सौद की शेप्स पर, ठीक है, इनिशियल, मीडियल और फिर
फाइनल शेप पर। ठीक है, तो किसी वर्ड के जब हम शुरू में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, सौद आधा लिखा जाएगा, यानी कि मैंने बताया था ना जिसे आप आदि अशकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, सौद इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं मीडियल शेप की जानिब, तो मीडियल शेप है सौद। ठीक है, सौद की मीडियल शेप यानी कि जब हम किसी वर्ड के हमें सेंटर में लिखना हो, किसी वर्ड के जब सेंटर में हमें लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, और ये कौन सी शेप कहलाई, सौद की मीडियल शेप। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे देखें सौद की फाइनल शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, सौद जब किसी वर्ड के लास्ट में लिखा जा रहा हो तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और जब हम इन तीनों को मिला के लिखेंगे तो वो कौन सी शेप बन के तैयार हुई, कंपाउंड शेप। ठीक है, यानी कि ये एक मुरक्कब बन गया। ठीक है, तो ये सौद की कंपाउंड शेप। हमने बात की इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल शेप पे, अब इसकी एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं। ये है सौद, ठीक है, बा प्लस रॉ। ठीक है, अब इसका हम जो है इसका मुरक्कब बनाएंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, सौद जो है वो वर्ड के शुरू में आना चाहिए। देखें वर्ड के शुरू में आना चाहिए। ठीक है, और हम क्योंकि इनिशियल शेप पढ़ रहे हैं तो देखें इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने स्क्रीन पे देख के पढ़ा था, इस तरह से आएगा। उसके बाद बा लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लिख देंगे रॉ, तो ये बन गया सौद, बा और रॉ। तो ये सौद जो है क्योंकि हम इनिशियल शेप पढ़ रहे हैं तो सौद कहाँ आना चाहिए, वर्ड के शुरू में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी शेप कहलाई, इनिशियल शेप कहलाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सौद की मीडियल शेप की जानिब। ठीक है, तो ये है सौद की मीडियल शेप। मीडियल शेप यानी सौद वर्ड के कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा लेटर है, कॉफ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉफ। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेटर है, हम मीडियल शेप पढ़ रहे हैं तो ये सौद कहाँ आना चाहिए, बीच में। ठीक है, तो यानी कि वर्ड के इस तरह से बीच में आना चाहिए, हमने पढ़ा था स्क्रीन पे ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद आ गया ये रॉ, तो ये सौद की कौन सी शेप बन गई है, मीडियल शेप बन गई है। ये सौद की कौन सी शेप बन गई है, मीडियल शेप। ठीक है, यानी कि सौद जो है वो वर्ड के बीच में, सेंटर में यानी के बीच में आया है। अब बात करेंगे सौद की फाइनल शेप पर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बा और हमने यहाँ पे लिखा है रॉ और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सौद। सौद लास्ट में आ रहा है, क्यों लास्ट में आ रहा है, क्योंकि सौद जो है वो हमें लास्ट में लाना है कि हम फाइनल शेप समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने लिखा बा, फिर हम लिखेंगे रॉ और फिर हम लिखेंगे सौद। ठीक है, वेरी गुड, तो यहाँ पर ये आ गया सौद की फाइनल शेप। ठीक है, ये एक मुरक्कब बन गया और ये सौद की फाइनल शेप बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो हमने ये कौन सी शेप पढ़ी, इनिशियल शेप, मीडियल शेप और फिर हमने पढ़ी फाइनल शेप। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की जानिब। तो मुझे बताइए, कौन बताएगा मुझे कि नेक्स्ट लेटर कौन सा है। ठीक है, अच्छा जी, आपने बच्चों मुझे आवाज आई है कि आपने पढ़ा है ज़ौद। ठीक है, तो बच्चों ज़ौद नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ते हैं दौद। ठीक है, ज़ौद नहीं पढ़ा जाता है, याद रहे ज़ौद नहीं पढ़ा जाता है, दौद पढ़ा जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप सबको बताया गया था बच्चों कि दौद को हम हमेशा पुर यानी कि मोटा करके पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि दौद इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन की जानिब पढ़ते हैं, आप सब मिल के मेरे साथ पढ़ेंगे जी, दौद 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 दौद। वेरी गुड, इनिशियल मीडियल फाइनल शेप्स की बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि बताया था कि लेटर की 3 शेप्स होती हैं, इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल। ठीक है बच्चों, नाज़रीन आप सब भी देखते रहिए, यहाँ पर दौद की इनिशियल शेप यानी कि जब हम किसी वर्ड के शुरू में दौद लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आदि अशकाल यानी कि दौद इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, बात करेंगे मीडियल शेप की, मीडियल शेप दौद की इस तरह से होती है यानी कि दौद किसी वर्ड के जब सेंटर में आए तो वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, दौद। उसके बाद बढ़ेंगे फाइनल शेप की जानिब, तो जब दौद किसी लेटर के लास्ट में आए तो वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है,
तो ये हो गई इसकी इनिशियल, मीडियल, फाइनल, और जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कंपाउंड शेप, यानी कि एक मुरक्कब बन जाएगा, कंपाउंड शेप बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं अब इनकी एग्जाम्पल्स की जानिब। ठीक है चलिए, सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे एग्जाम्पल, इनिशियल। ठीक है बताइए एक दफा फिर सही से अदा करके मुझे बताइए कौन सा लेटर है। दौद। दौद। शाबाश, एक दफा फिर से बताएंगे। दौद। दौद है, ठीक है। तो दौद प्लस बा और प्लस तो का हम जब मुरक्कब बनाएंगे तो क्योंकि हम इसकी इनिशियल शेप समझ रहे हैं तो हम दौद को ऐसे लिखेंगे, हमने स्क्रीन पे पढ़ा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे बा, उसके बाद हम लिखेंगे तो। ठीक है, दौद बा और तो एक मुरक्कब बन के तैयार हुआ और फिर इसकी जो शेप है वो दौद की इनिशियल शेप बन गई है। ठीक है, कौन सी शेप बन गई है मिलके बताएं, इनिशियल, इनिशियल शेप बन गई है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दौद की मीडियल, मीडियल शेप की जानिब, यानी कि मीडियल शेप दौद के लास्ट, दौद जो है वो वर्ड के कहाँ आना चाहिए, बीच में, सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो चले देखते हैं, यहाँ पे आप सब मेरे साथ देखें, लाम प्लस दौद। ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब किसी वर्ड के सेंटर में आए तो इस तरह से होगा। ठीक है, लाम, दौद और फिर बा। देखें यहाँ पर सेंटर में आ रहा है, जी सेंटर में आ रहा है। ठीक है बच्चों, सबने मिलके बोर्ड पे देखें आप और फिर मुझे बताइए कि ये दौद वर्ड के सेंटर में आ रहा है, तो ये दौद की कौन सी शेप है, मीडियल, मीडियल शेप है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दौद की फाइनल शेप की। ठीक है, तो ये हो गया बा प्लस आइन दौद, क्योंकि अब हमें दौद जो है वो लास्ट में लाना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, आप सब देखें, नाजरीन आप भी हमारे साथ रहिए। यहाँ पे हमने लिखेंगे बा, उसके बाद है आइन। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दौद, क्योंकि दौद जो है वो वर्ड के आखिर में आना चाहिए तो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो देखें दौद जो है वो वर्ड के लास्ट में आ गया है। ठीक है, तो ये कौन सी शेप बन के तैयार हुई, फाइनल, फाइनल शेप। तो चलें आप मुझे बताएं, हमने लेटर दौद पढ़ा और इसकी हमने शेप को समझा। ठीक है, बताइए हमने कौन सी शेप्स पढ़ी, इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल। जी, तो आप सबको अच्छे से समझ आया, जी। चलिए अब आप बताएं हम कौन से लेटर पढ़ेंगे, तो, तो। ठीक है, अच्छा जैसे कि हम, मैंने आप सबको बताया था कि तो नहीं पढ़ते हैं, जैसे तो की आवाज जो है वो नाक में नहीं जाती है। ठीक है, किस तरह पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरह पढ़ेंगे, तो, तो। मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, स्क्रीन की जानिब बढ़ते हैं, जी पढ़ेंगे तो, 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 तो। जी चलें अब तो की इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल शेप पे बात करेंगे। बच्चों सबने गौर से देखना है, यहाँ पर तो की इनिशियल शेप जो तो का अपना ओरिजिनल शेप होती है उसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई हम वर्ड लिख रहे हों तो उसके शुरू में तो उसी तरह से लिखा जाता है जो इसकी नी ओरिजिनल शेप है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मीडियल शेप की और साथ ही बात करेंगे फाइनल शेप की। आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीडियल एंड फाइनल सेम है। ठीक है, मीडियल एंड फाइनल सेम है। ठीक है, और फिर जब हम इन सबको मिलाएंगे तो ये कंपाउंड शेप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कंपाउंड शेप बन जाएगा। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स की जानिब बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो की इनिशियल शेप। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो बा, तो हम बताएं कौन सी शेप पढ़ रहे हैं, इनिशियल, इनिशियल शेप पढ़ रहे हैं, यानी कि तो जो है वो वर्ड के कहाँ आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए। ठीक है, और वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा जिस तरह से तो लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे बा और फिर हम लिखेंगे सीन। ठीक है, तो ये तो की कौन सी शेप है, इनिशियल, जी तो ये तो की इनिशियल शेप है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो की मीडियल शेप की। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं तो की मीडियल शेप, इस तरह से हम लिखेंगे सीन प्लस तो। जी बच्चों, तो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो की, हमने स्क्रीन पे पढ़ा मीडियल और फाइनल शेप सेम होती है। ठीक है, तो ये मुझे बताइए ये तो की कौन सी शेप बनेगी, फाइनल, फाइनल शेप बनेगी। वेरी गुड। ठीक है,
तो की फाइनल शेप बनेगी। साथ ही साथ क्योंकि हमने पढ़ा था कि मीडियल और फाइनल सेम होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल मीडियल की भी दूंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखें कि ये मुझे बताएं कौन सी शेप है। मीडियल। जी बच्चों, तो मुझे बताइए ये तो की कौन सी शेप है। मीडियल शेप है, ठीक है। तो बताइए ये कौन सी शेप थी जो हमने फर्स्ट पे पढ़ी। इनिशियल। उसके बाद हमने कौन सी शेप पढ़ी। नहीं बेटा, उसके बाद हमने मीडियल को समझा, फिर फाइनल। इनिशियल, मीडियल, फाइनल। और जब हम मीडियल और फाइनल की बात करेंगे तो वो सेम कहलाएगी, कि तो जो है वो सेम लिखा जाता है, ठीक है। चलें बताएं कौन सी शेप है। इनिशियल। और ये बताएंगे मीडियल। जी जी, ये फाइनल शेप है। कौन सी शेप है बच्चों। फाइनल। और उसके बाद मीडियल शेप।